नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हाजिर हूँ मैं यहाँ पे IOCL में जो एज ए अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट निकली हुई है ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, तो उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, काफ़ी अच्छा होता है अगर आपने ITI डिप्लोमा किया, उसके बाद आपने ज्वाइन कर लिया एज अप्रेंटिस IOCL, क्योंकि वहाँ की सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, जो अभी आपको स्टाइपेंड मिलता है एज अप्रेंटिस, और वहाँ पर का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आप फुल टाइम अप्रेंटिस वहाँ पे करते हैं, जैसे कि ऐसे जॉब होती है 8 साढ़े 8 घंटे की, वैसे आप वहाँ पर आपको फुल टाइम जॉब करने का मौका मिलता है। और वहाँ पर एक अच्छी बात ये होती है, अप्रेंटिस करने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी रख लिया जाता है, अगर आपकी परफॉर्मेंस सही रहती है तो। उसके बाद जब आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखते हैं, तब भी आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है, करीब 20-22 हज़ार रुपये सैलरी तब भी वहाँ पे रहती है, तो एक अच्छा चांस है आपको अगर आप इस कंपनी से अप्रेंटिस करते हैं। तो फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट निकली हुई है, वो रिक्वायरमेंट हुई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो गुजरात दादरा नगर हवेली, यानी कि इस जोन में निकली हुई है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं 23 अक्टूबर 2019 से, और उनकी लास्ट डेट है 26 नवंबर 2019। यहाँ पे पहले जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा, जो होगा 15 दिसंबर को, टेंटेटिव है वो, आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पर एज लिमिट 18-24 मांगी गई, लेकिन मैं अभी आपको PDF क्रिएट करूँगा, जिसके बारे में मैं बताऊँगा कि आपको इसमें क्या क्या करना है, कितनी एज लिमिट है, कितनी सैलरी है, और ITI और डिप्लोमा में कौन कौन सी ट्रेड्स हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो ITI के लिए अप्रेंटिस की पोस्ट नोट वो है 81, वहाँ पे जो डिप्लोमा के लिए अप्रेंटिस की पोस्ट है वो है 50। अब हम डाउनलोड करने जा रहे हैं नोटिफिकेशन, जिसके बारे में हम आपको अच्छे से डिटेल बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस जोन में यहाँ पर वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है थोड़ा वेस्टर्न इंडिया में, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली में यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए रिक्वायरमेंट निकली हुई है। तो यहाँ पर अगर आप गुजरात के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखा है, तो आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। और साथ ही साथ टेक्नीशियन अप्रेंटिस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल और टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट है, और उसके साथ ही इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल इंजीनियरिंग की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और अगर बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड्स की भी डिप्लोमा बेस पे रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, इन सभी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। गोवा में मैकेनिकल ट्रेड्स के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, उनके लिए एक वैकेंसी यहाँ पर है। उसी तरह से फ्रेंड, आप यहाँ पे भी और ये देख पा रहे हैं गोवा में आगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रिक्वायरमेंट है, और साथ ही साथ फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट से जिनका ने ITI कर रखा है, उनके लिए भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और तो अगर आपने इन सब ट्रेड से ITI कर रखी है, तो ये यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं दादरा नगर हवेली, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो इस हिसाब से यहाँ पे कुछ बताया गया है इन सब के बारे में। फ्रेंड, यहाँ पे अगर हम एज लिमिट के बारे में जो बात कही गई है, वो मिनिमम मैक्सिमम 24 रखी गई, लेकिन यहाँ पे कोटा लगेगा SC ST OBC का। तो अगर आप OBC हैं तो 3 साल का, अगर SC ST हैं तो आपको 5 साल का जो आपको छूट मिलती है वो मिल जाएगी। यहाँ पे एक बात ये भी बताई गई है कि अगर आपने 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकनॉइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट, 45% इन केस ऑफ SC ST कैंडिडेट्स, तो कुछ ऐसे मार्क्स के बारे में बताया गया। इसका तो कोई खास इशू नहीं होता है, क्योंकि मार्क्स सबके अच्छे होते हैं ITI और डिप्लोमा में। फ्रेंड, यहाँ पे 18 नंबर पर एक बात बताई गई कि अगर आपने अपना अपना जो ITI डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है, और कंप्लीट होने के आफ्टर 3 ईयर एक्वायरिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉगिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंगेजमेंट शैल नॉट बी एलिजिबल। मतलब अगर आपने अपना ITI डिप्लोमा कर रखा है, उसके साथ आपके 3 साल गुजर गए हैं, तो भी भले आपकी एज अभी कम हो, लेकिन आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और वो कन्या जिन्होंने के पास ITI डिप्लोमा किया है और उसके बाद उनके पास 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उन्हें या तो वो एक्सपीरियंस ना लगाएं, अगर एक्सपीरियंस लगाएंगे तो भी वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। फ्रेंड, यहाँ पे एज के बारे में बताया गया है कि एज आपकी मैक्सिमम 24 ईयर होनी चाहिए 31 अक्टूबर 2019 को, लेकिन अगर आप SC ST हैं तो 5 ईयर आपका एज रिलैक्सेशन, और OBC हैं तो 3 ईयर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके साथ साथ में आपको PWD हैं
तो आपको 15 ईयर का भी मिल सकता है, 13 ईयर का वो हिसाब से मिलेगा, अगर आप ST या OBC हैं उस हिसाब से आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे जो आपकी अप्रेंटिस ट्रेनिंग होगी वो 1 साल की यानी 12 महीने की होगी, और जब इस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो रिटर्न टेस्ट होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, आप या ITI हो डिप्लोमा या दोनों के लिए 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उनका सिलेबस अलग अलग होगा। तो यहाँ पर ये होता है कि अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका 30 मार्क्स का आएगा जेनेटिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वान्टिटी एप्टीट्यूड, और 30 मार्क्स आपके रीजनिंग के होंगे, और आपके 40 मार्क्स बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे। अगर आप ITI अप्रेंटिस करना चाहते हो तो उसके लिए जो आपका पेपर होगा 40 मार्क्स होगा आपका टेक्निकल, और 20 मार्क्स होगा जेनेटिक एप्टीट्यूड एंड इंक्लूडिंग क्वान्टिटी एप्टीट्यूड, और 20 मार्क्स रीजनिंग, और 20 मार्क्स बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरह से आपका अगर आप डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल है तो भी आपके लिए यही पेपर आएगा। तो इसमें फ्रेंड आपको मिनिमम क्वालिफाइंग करने के लिए 40% मार्क्स चाहिए होगा, और अगर आप SC ST या PWD हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होंगे वो 35% होंगे। तो फ्रेंड यही ऐसे कुछ जानकारी थी यहाँ पे इस अप्रेंटिस को लेकर। तो अगर आप इस यहाँ पर IOCL को ज्वाइन करेंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी होगी, 17,000 रुपये तक होगी, तो आप इसे ज्वाइन करिए। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।